जय सियाराम। संस्कार की बातें YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ श्री रामचरित मानस की चौपाइयाँ। बंधुओं, घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए नित्य श्री रामचरित मानस की इन चौपाइयों को जरूर सुने। बंधुओं, रामचरित मानस की ये चौपाइयां नित्य सुनने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। बंधुओं, रामचरित मानस की इन चौपाइयों को नित्य भाव और श्रद्धा से पढ़ें या सुनें। आप देखना कि जिंदगी में कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। जिस घर में नित्य इन चौपाइयों का पाठ होता है, उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जरूर लिखें। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनउ रघुबर विमल यशु जोदायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाले हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सोकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह कर के घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहु आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भाति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं ना जाए कुछ नगर विभूति, जन इतनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राउ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री राम चंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके और अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुब राज पद राम ही देव नरेश। सब के हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम चंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहू, राम सुजस सुनि अतहे उछाहू।
एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलोके मुकुट सब कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सुभावे की हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनह उजरठपन अस उपदेशा। निप जब राज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहू। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री राम चंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे भुआलु सुनहि मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री राम चंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही। प्रभु आशीष जन तन धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोर ही नाई। सभी को श्री राम चंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद हो, मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेशर जाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राव और नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।